राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज थाना क्षेत्र में विगत 7 जून को महिला स्वास्थ्य कर्मी के साथ हुए लूट का खुलासा करने में जुटी डीसीपी साउथ की क्राइम टीम एवं मोहनलालगंज पुलिस टीम की संयुक्त कार्यवाही में 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लूट के माल बरामद किए गए। इस लूटकांड का खुलासा करते हुए गुरुवार को डीसीपी साउथ तेज स्वरूप सिंह ने बताया कि 7 जून को मोहनलालगंज सीएचसी में एएनएम पद पर कार्यरत महिला के ई रिक्शा से घर जाते समय बिंदौवा मोड़ के पास बाइक सवार 3 लुटेरों ने उसका पर्स छीनकर भाग गए थे। डीसीपी साउथ ने बताया कि इस घटना के खुलासे के लिए सर्विलांस क्राइम टीम सहित कुल 4 टीमों को लगाया गया था। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद प्रकाश में आए बाइक सवार तीनों बदमाशों को पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 100% लूट के माल, 1 मंगलसूत्र, 1 जोड़ी पायल, 2 मोबाइल फोन सहित लूट की घटना में प्रयुक्त स्प्लेंडर मोटरसाइकिल को बरामद किया है। मजे की बात तो यह है कि 7 जून को महिला स्वास्थ्य कर्मी के साथ लूट के पहले इन तीनों लुटेरों ने पीजीआई थाना क्षेत्र में एक मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के हाथे चढ़े लुटेरों में उमेश साहू एवं सुमित मौर्य निगोहा थाना क्षेत्र के निवासी हैं, जबकि तीसरा लुटेरा रोहित साहू बाराबंकी जिले के लोनी कटरा थाना क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है। पुलिस तीनों लुटेरों का आपराधिक इतिहास खंगाल रही है। पुलिस पूछताछ में तीनों बदमाशों ने बताया कि वह मजदूरी करते हैं, काम न मिलने पर इन लोगों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। 2024 को एक महिला मोहन लालगंज में है, जो मेडिकल से वो एएनएम है और उसका निवास नगराम थाना क्षेत्र में है। वो अपने ऑफिस से निकल करके ई रिक्शा से जा रही थी अपने घर, तो ये रास्ते में बिंदौवा के पास 3 बदमाश आए बाइक से और उन्हें उसका पर्स जो था उसको छीन लिया और भाग गए। वादली की तहरीर के आधार पर तत्काल थाना मोहनलालगंज में अभियोग पंजीकृत किया गया था और उसको विवेचना के लिए टीमों को लगाया गया, 4 टीमें लगाई गई, सर्विलांस टीम को भी लगाया गया, सीसीटीवी फुटेज और पूरा इसका वो देखा गया। उसके आधार पर 3 अभियुक्त जो प्रकाश में आए हैं, जिसमें एक रोहित साहू है जो बाराबंकी का रहने वाला है, शेरपुर में उसका ननिहाल है, वहाँ रहता है और अपने घर भी चला जाता है। दूसरा उमेश साहू है जो शेरपुर का है और तीसरा सुमित मौर्य है, तीनों नए लड़के हैं। और इन लोगों ने इस घटना से पहले पीजीआई क्षेत्र में भी एक मोबाइल छीना है तेलीबाग के पास। जो इन्होंने लूटा था, सामान छीना था, उसमें जो महिला राजकुमारी का उसका मंगलसूत्र, उसके पायल और उसके 2 मोबाइल, ये दोनों बरामद हो गए हैं। साथ ही जो तेलीबाग से इन्होंने मोबाइल छीना था वो भी बरामद हुआ। घटना में जो बाइक प्रयोग हुई थी वो बाइक भी बरामद हो गई है, तो इसमें 100% बरामदगी हो गई है। हमारी जो टीम इस पे काम की है उसको हमने 20,000 का इनाम घोषित किया है। सर, किस तरह का इसमें देखिए, ये सुमित मौर्य तो एक पहले पिछले साल भी गया है, जेल गया है घटना में, लेकिन अभी इनका आपराधिक इतिहास तलाशा जा रहा है। अब तक जितना निकला है वो है, बाकी छानबीन की जा रही कितना है। ये बाइक से ही लूट करते हैं, लूट करने के बाद इनका यही पेशा है। और कोई पुराना अपराध इन्होंने स्वीकार किया है? नहीं, अभी बताया नहीं है, बाकी तो इनकी और भी तलाशी की जा रही है। घटना के बाद एक और मजे की बात है कि ये फिर तीर्थ यात्रा करने गए थे छत्तीसगढ़, वहां से लौट के आए और फिर ये अपना इधर छिपे रहे और ये फिर अगली वारदात करते उसके पहले ये दबोच लिए गए। सर, उस दिन क्या कुछ किस काम के लिए निकले थे और उसके बाद किस तरह से इन्होंने घटना को अंजाम दिया है, क्या कुछ बताया? ये कहना तो इनका है कि मजदूरी के लिए निकले, मजदूरी करने का तो मजदूरी करते दिन भर, अगर शाम को घटना होती तो इनकी बात मान ली जाए, जो इनकी बात विश्वसनीय नहीं है। इनका उद्देश्य यही था और इसी उद्देश्य निकले, अपने उद्देश्य में सफल हुए। लेकिन